नमस्कार, मैं अपनी स्वागत करता हूँ आप अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल RTI का रिप्लाई आया है, जिसमें कि जो DB हो रहे हैं उसके बाद भी कितने सीट RSC ग्रुप डी के खाली हैं उसके बारे में दिया है। तो ये आपके RTI के जो रिप्लाई हैं वो 5/12/2023 को ही आ गए हैं, यानी कि एक दो दिन पहले का ये आपका रिप्लाई है। अब यहाँ पे जो वेस्टर्न रेलवे से पूछा गया है, और वेस्टर्न रेलवे में पूछा गया है कि देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है। सर प्लीज़ गिव मी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट 2019 फ्रॉम RRC WR जोन। हाउ मेनी स्टूडेंट SC कास्ट आर देयर इन WR बिटवीन 55.33 टू 55.69। यानी कि SC कैंडिडेट में कितने जो कैंडिडेट हैं वो बचे हुए हैं 55.33 से 55.69 के बीच का जो कैंडिडेट है वो कितने हैं। तो इस क्वेश्चन का इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि ये उस RTI के क्राइटेरिया में नहीं आता है। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है वो पूछा गया है कि आफ्टर थर्ड DB, यहाँ पे जो थर्ड DB है और उसके फिफ्थ पैनल के बाद भी WR में कितने सीटें अभी तक खाली है। तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फिफ्थ प्रोविजनल पार्ट पैनल वैकेंट सीट फॉर नॉन PWD जो कैंडिडेट है उनका कितना सीट है। तो आप देखेंगे UR में 199 है, OBC में 96 है, SC में 107 है, ST में 61 है और EWS में 39 है। टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो अप्रोक्स की हम बात कर लेते हैं, 200 ये हो गया, 100 ये हो गया, 300, 3, 1, 400, 4 और ये सभी मिला के आपके 500 अराउंड। आप मान के चलो कि 500 जो है वो अभी भी सीट खाली है। देखिए 500 नंबर ऑफ वैकेंसी खाली है इतना थर्ड DB के बावजूद और फिफ्थ पैनल के बावजूद। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो जोन है उसमें भी अभी सीटें खाली होगी, और ये सीट तो तब खाली है जो कि पहले एडिशनल पैनल नहीं मांगा गया है। कुछ लोग इसको ज्वाइन करने के बाद छोड़ रहे होंगे, तो उसका सीट अभी इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि इसमें से 600 से 700 सीटें अभी भी जो है वो खाली हो, और डिफरेंट डिफरेंट जोन में हो सकता है किसी जोन में 700, किसी जोन में 400, किसी जोन में 500। तो एवरेज अगर अप्रॉक्स की बात कर लेते हैं तो हर एक जोन में आपको कम से कम तो 500 सीटें खाली देखने को मिल सकती है। और जो भी कैंडिडेट अभी इंतजार कर रहे हैं कुछ नंबर से, कुछ हो सकता है 0.5 से, 0.1 से या 1 नंबर से भी अगर इंतजार कर रहे हैं, तो वो निश्चिंत रहिए कि आपका कभी भी नंबर आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें हर एक जोन में अच्छे खासे खाली हैं। तो आपके जो है वो कभी भी कॉलिंग आ सकती है। आप क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप कितने नंबर से पिछड़ रहे हैं, आपका कब तक इसी के अकॉर्डिंग आ सकता है टर्म कि 1 साल में या 1.5 साल में आपका क्लियर हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।